हेलो गाइस, आईफोन 13 से रिलेटेड आप सभी लोगों के लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने लीक्स, रूमर्स, अपडेट्स सारी की सारी चीज़ें क्लियर करी हुई है। इवन आईफोन 13 कैसे दिखने वाला है, काफ़ी सारी रेंडर्ड वाली वीडियोस मैंने आप सभी लोगों को शो करी है। लेकिन इन सारी वीडियोज़ के अंदर आप सभी लोगों का एक कॉमन कमेंट रहता है कि आईफोन 13 की प्राइसिंग वाली वीडियो लेके आइए। और काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टा पर भी डीएम करते हैं, अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आज फाइनली मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। iPhone 13 के जो चार मॉडल है उसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या रहने वाली है, वो सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माय चैनल जिस पे हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हमारे चैनल पे इस टाइम पे जो सब्सक्राइबर गोल है वो ओनली 5000 का है, और आप नीचे जाके वीडियो में देख सकते हैं कि इसके हम काफी ज्यादा नजदीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और हो सके तो इसे एंड तक देखना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आईफोन 13 से रिलेटेड काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कैमरा सेक्शन में कि आईफोन 13 के जो कैमरा है वो आईफोन 12 से कितने ज्यादा अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं जो रेंडर्ड इमेजेस है आईफोन 13 की वो मैं आपके स्क्रीन पे इस टाइम पे शो कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैमरा है वो डायगनली प्लेस्ड है। अब इसका रीजन ये है कि आईफोन 13 के जो सेंसर है, कैमरा सेंसर, वो इस बार थोड़े से अपग्रेड होकर देखने को मिलेंगे। अब जो पिक्सल काउंट है वो आपको फिर से सेम आपको देखने को मिलेगा, 12 मेगापिक्सल। लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसमें ऐसा पता चला है कि जो अल्ट्रा वाइड वाला जो कैमरा है, जो सेकंड कैमरा होगा, उसमें जो आपको अपर्चर है वो लास्ट वाला जो आईफोन 12 है उससे बड़ा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या आपको लाइडर सेंसर आईफोन 13 के अंदर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो लाइडर सेंसर अगर हो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये नाइट में काफी ज्यादा अच्छी जो पिक्चर्स हैं आपकी, चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे नॉर्मल इमेजेस हो, काफी तगड़े तरीके से ले सकता है। लाइडर सेंसर इसलिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो हां, 70 से 80% तक अभी जो अपडेट्स है आप रेंडर वगैरह में देख सकते हैं, आपको लाइडर वाला जो सेंसर है वो जरूर देखने को मिलेगा। अब एक और कॉमन क्वेश्चन सारे लोग मुझे आईफोन 12 और आईफोन 13 से रिलेटेड पूछ रहे थे, जो लोग कंफ्यूज हैं इन दोनों डिवाइसेस के बीच में प्लान करने के लिए कि कौन सा डिवाइस उनको लेना चाहिए। तो ओवरऑल क्या आईफोन 13 के अंदर बहुत बड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं, जो स्टैंडर्ड वाला मॉडल है? तो यहां पर मैं आप सभी लोगों को क्लियर कट आंसर दे देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईफोन 13 के अंदर कुछ बहुत बड़ा अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो कैमरा है वो डायगोनली प्लेस करे गए हैं, और मेरे को लगता है कि इसका जो मेन रीजन है वो ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा डिवाइस आईफोन 12 है और कौन सा डिवाइस आईफोन 13। थोड़ी सी नॉच हमें छोटी देखने को मिलेगी, कैमरा के अंदर कोई बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा, लाइडार सेंसर है वो ऐड हो सकता है। तो जिन लोगों का बजट कम है उन लोगों को मैं कहूंगा कि आईफोन 12 ही आप पिक करिए, क्योंकि मेन रीजन आईफोन 13 का वेट करने का ये था कि आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं, वो सिर्फ लिमिटेड है प्रो वाले मॉडल और प्रो मैक्स वाले मॉडल था। तो यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा अपग्रेड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों डिवाइस के बीच में कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर कंपैरिजन वाली वीडियो बना रखी है, और एक और वीडियो मैं आगे बना के लेके आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाके आप उससे और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं आईफोन 13 सीरीज के जो मॉडल्स हैं उनका प्राइसिंग क्या रहने वाला है। तो अगर बात करें सबसे सस्ते डिवाइस एप्पल के अकॉर्डिंग, तो वो रहने वाला है आईफोन 13 मिनी, जिसका जो प्राइस है वो जस्ट स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगी 76 से 78,000 के बीच में। अब थोड़े से ही हमें इसके अंदर अपग्रेड देखने को मिलता है। काफी सारे लोगों को लग रहा था कि ये वाला डिवाइस हो सकता है लॉन्च ना हो, क्योंकि आईफोन 12 मिनी भी कोई इतना ज्यादा जो फेमस है और जो सेल्स है उसकी काफी ज्यादा कम रही थी। लेकिन फिर से थोड़ा बहुत अपग्रेड आपको बैटरी के अंदर देखने को मिलेगा और प्रोसेसर आपको नया देखने को मिल जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। और उसके बावजूद जो इसका प्राइस है वो कम से कम 75 से 78 के बीच पर रहने वाला है। अब नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड आईफोन 13 जो मॉडल है यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है पूरी आईफोन 13 सीरीज के अंदर। अब इसका रीजन ये है कि इसकी जो सेल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा अच्छी रहती है, और इंडिया के अंदर भी जो लोग हैं वो स्टैंडर्ड वाला जो मॉडल है उसे लेना पसंद करते हैं, जैसे आईफोन 11 या फिर आईफोन 12। तो इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्राइसिंग है वो बढ़कर ही मिलेगी। इसका जो प्राइस है उसकी जस्ट स्टार्टिंग ही आपको 86 से 88 के बीच में जो उसका स्टैंडर्ड जो बेस मॉडल है वो आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट ईयर अगर आईफोन 12 स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो 80,000 रुपए के आसपास वो भी डिवाइस लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज होकर देखने को मिलेगा। और अगर इसको फिर से एक बार कंपेयर करते हैं जो 13 मिनी वाला है, तो इनके प्राइस का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12,000 के बीच में ही रहेगा। और यही रीजन था जो आईफोन 12 मिनी है जो लास्ट ईयर का डिवाइस है वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि उसमें और स्टैंडर्ड वाले मॉडल में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का अंतर था और काफी
ज्यादा अपग्रेड आपको देखने को मिल रहा था। तो एक बार एप्पल फिर से वही गलती दोहरा रहा है, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या पता हमें आईफोन 13 के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। अब लास्ट जो दो मॉडल बचे हुए हैं आईफोन 13 सीरीज लाइनअप के अंदर, आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, तो इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आप आराम से बड़ा जो प्राइस जंप है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली जो LTPO डिस्प्ले है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, वो फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलेगी। फाइनली एप्पल को शर्म आई जब 20,000 के एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले मिलने लग गई। उसके बाद ये वाला फीचर जो कि अभी भी लिमिटेड है प्रो और प्रो मैक्स मॉडल तक, वो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगी, और उसी के सारे जो प्राइस जंप है वो भी आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 13 प्रो वाला मॉडल, जिसका जो प्राइस है वो मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ 1,25,000 रुपीज के अंदर ये जस्ट लॉन्च होगा, और इसको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, चाहे आईफोन 11 प्रो हो या फिर आईफोन 12 प्रो हो, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में और जो प्रो मैक्स वाला मॉडल की प्राइसिंग में ज्यादा से ज्यादा आपको 10,000 से 15,000 रुपए का अंतर ही देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको जो बड़ी स्क्रीन है वो आपको और बड़ी बैटरी दोनों आपको देखने को मिल जाती है। तो जो लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि 10-15,000 रुपए आपके लिए शायद इतना ज्यादा मैटर ना करे, तो आप हमेशा प्रो मैक्स वाला जो मॉडल है उसी को ही ऑप्ट करिए। अब लास्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स की प्राइसिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर इसको कंपेयर करते हैं 13 प्रो से, तो आपको दो अपग्रेड देखने को मिलते हैं जो मेजर अपग्रेड है। सबसे पहले जो बैटरी है वो आपको बड़ी देखने को मिलती है प्रो मैक्स वाले मॉडल के अंदर, और आपको जो बैटरी लाइफ है उसके अंदर 2.5 से 3 घंटे का भी जो एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ है वो आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा अगर बात करें जो बड़ी डिस्प्ले है वो आपको 13 प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिलती है, तो इन दोनों अपग्रेड्स के लिए आपको जो पैसा है वो भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 1,40,000 के बारे में इस टाइम पे बात चल रही है कि एक्सपेक्टेड प्राइस आप जहां देखेंगे इतना ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा पर्सनल गेस ऐसा है कि इसका जो प्राइस है थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी 1,38,000 रुपीज के आसपास जो 128GB वाला जो मॉडल है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि 1,40,000 होता है या फिर 1,38,000, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों का आईफोन 13 प्रो की तरफ अगर लोग मन बना रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा पैसा और अपग्रेड करिए और 13 प्रो मैक्स वाला जो मॉडल है वो चूज करिए। तो इस वीडियो के अंदर आईफोन 13 सीरीज के जितने भी मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं सबकी प्राइसिंग आप सभी लोगों के साथ मैंने यहाँ पे शेयर करी। जो प्राइस है वो मैक्सिमम 2,000 से 3,000 तक वैरी कर सकता है, लेकिन जो ओवरऑल जो इनकी प्राइसिंग है वो इसी के आसपास रहने वाली है। तो अगर आप और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं आईफोन 13 की अपडेट से रिलेटेड, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM करिए, वहां मैं जल्दी रिप्लाई करता हूं, वरना आप वीडियो के नीचे कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।